नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नुस्खा टीवी में। दोस्तों, आज हम आपको महिलाओं में बच्चेदानी की सूजन के लक्षण, कारण और कुछ घरेलू उपचार के विषय में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, मौसम में बदलाव और गलत खान पान के कारण कई बार महिलाओं के बच्चेदानी में सूजन आ जाती है। बदलता वातावरण गर्भाशय को अत्यधिक प्रभावित करता है, जिसके कारण महिलाओं में यह समस्या देखने को मिलती है। इसके कारण महिलाओं को असहनीय पेट दर्द, बुखार, सिर दर्द और कमर दर्द का सामना करना पड़ता है। अगर समय रहते इस समस्या का इलाज न किया जाए तो यह कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का कारण भी बन सकती है। दोस्तों, दवाइयों के अलावा आप इस समस्या को कुछ घरेलू तरीके से भी दूर कर सकते हैं। आज हम आपको बच्चेदानी में सूजन के कुछ घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिसकी मदद से आप इस परेशानी को खत्म करके बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं गर्भाशय में सूजन के कारण। जी हाँ दोस्तों, इसमें सबसे पहला है बदलते मौसम के कारण। अधिक औषधियों के सेवन से, ज़्यादा व्यायाम करने से, भूख से ज़्यादा खाना खाने पर और अधिक टाइट कपड़े पहनने पर, प्रसव के दौरान सावधानी न बरतना, अधिक यौन संबंध के कारण। जी हाँ दोस्तों, ये थे गर्भाशय में सूजन के कारण। आइए जान लेते हैं गर्भाशय में सूजन के लक्षण के विषय में। इसमें सबसे पहला है पेट की मांसपेशियों में कमजोरी होना, पेट दर्द, गैस तथा कब्ज होना, पीठ में दर्द, बुखार, प्राइवेट पार्ट में खुजली या जलन, महामारी के दौरान ठंड लगना, यौन संबंध के दौरान दर्द, महामारी के दौरान असहनीय दर्द, लगातार पेशाब आना, लूज मोशन होना और उल्टी का होना। ये था दोस्तों गर्भाशय में सूजन के लक्षण। आइए जानते हैं गर्भाशय में सूजन को कम करने के घरेलू उपाय। इसमें सबसे पहला है दोस्तों नीम। नीम के पत्ते और सोंठ को पानी में उबालकर गाढ़ा काढ़ा बना लें। इसे रोजाना प्राइवेट पार्ट में लगाने से बच्चेदानी में सूजन की समस्या दूर हो जाती है। इसके अलावा नहाते समय भी नीम के पानी का इस्तेमाल करें। दूसरा है दोस्तों हल्दी। हल्दी भुना हुआ सुहागा को फ्रेश मकोए के ताजे रस में मिलाएं। कॉटन की मदद से इसे योनि में लगा कर रखें, इससे सूजन दूर हो जाएगी। तीसरा है दोस्तों अरंडी। अरंडी के पत्तों को पानी में उबालकर छान लें। कॉटन में इसे भिगोकर मुंह के अंदर रखें। 3 से 4 दिन ऐसा करने से पेट में मौजूद सभी कीटाणु मर जाएंगे और सूजन की समस्या दूर हो जाएगी। चौथा है दोस्तों बादाम। जी हाँ दोस्तों, रात को 1 चम्मच बादाम पाउडर को 3 चम्मच शरबत, बनफसा और खांड पानी भिगो दें। सुबह उठकर इस पानी का सेवन करने से गर्भाशय में गर्मी पैदा होगी, जो कि सूजन को जड़ से खत्म कर देगी और बच्चेदानी की सूजन को दूर करने के घरेलू उपाय में 5वां उपाय है दोस्तों फलों का रस। बच्चेदानी में सूजन की समस्या होने पर रोजाना फलों का जूस पिएं। रोजाना संतरे, गाजर, चुकंदर, टमाटर, सेब और पाइनएप्पल का जूस 1 गिलास पीने से यह समस्या दूर हो जाती है। तो ये थे दोस्तों गर्भाशय की सूजन को कम करने के कुछ घरेलू उपाय। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।